तो गाइज यार ओल्ड फ्री फायर वापस आने वाला है। जी हाँ गाइज यार, आप लोगों ने एकदम सही सुना। जो पहले के टाइम पे हमारे गेम के अंदर हम लोगों को एड्स देखने पर फ्री डायमंड मिलते थे, हमारे गेम के अंदर ग्लाइडर हुआ करता था, पॉइजन जोन हुआ करता था, एंड यार ओल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड को तो कोई भूल ही नहीं सकता है। यार सच में ओल्ड फ्री फायर से तो बहुत ज्यादा यादें जुड़ी हुई है। जी हाँ गाइज यार, ओल्ड फ्री फायर में जो इवेंट आया करते थे वो एकदम अलग से ही हुआ करते थे। बट गाइज अभी के टाइम पे यार सभी लोग बहुत ज्यादा मिस करते हैं हमारे ओल्ड फ्री और उसके इवेंट्स को। बट गाइस क्या आप लोगों को पता है, अब हम लोगों को और ज्यादा इस याद में नहीं रोना है कि हमारा ओल्ड फ्री फायर कब रिटर्न आएगा, क्योंकि गाइस यार अभी 100% कंफर्म न्यूज निकल के आ चुका है कि हम लोगों को ओल्ड फ्री फायर कब रिटर्न देखने को मिलेगा। भाई सुनने में एकदम इम्पॉसिबल लग रहा है, बट गाइस यार इम्पॉसिबल नहीं बल्कि एकदम 100% कंफर्म इंफॉर्मेशन है। मुझे पता है गाइस अभी आप लोगों को ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो गाइस यार आप लोग चिंता मत करो, आज के इस वीडियो में आप लोगों को ओल्ड फ्री फायर रिटर्न के रिगार्डिंग सब कुछ बताने वाला हूँ। सच में यार आज का वीडियो एक तरीके से देखा जाए तो सभी फ्री फायर प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि गाइस यार सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में ओल्ड फ्री फायर के बहुत ही कमाल के इवेंट्स दिखाऊंगा। तो यार हमारी जो ओल्ड फ्री फायर वाली मेमोरीज थी वो सारी की सारी आज रिफ्रेश होने वाली है, एंड यार ओल्ड फ्री फायर रिटर्न आ रहा है इसका भी इन्फॉर्मेशन तो मैं आज आप लोगों को देने ही वाला हूँ। इसलिए तो गाइस यार आज के वीडियो को आप सभी लोग पूरा ध्यान से पूरा एंड तक जरूर देखना। आज के वीडियो को आप लोग जरा सा भी स्किप मत करना, वरना आप लोग काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। तो चलो गाइस यार फिलहाल हम लोग बिना किसी फालतू टाइम को वेस्ट करे हुए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट ओबी अपडेट के बारे में। जी हाँ गाइस यार, जब हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट ओबी अपडेट आएगा तो उसी टाइम पे हमारे गेम के अंदर बहुत सारे ओल्ड फ्री फायर के इवेंट रिटर्न आने वाले हैं। जी हाँ गाइस यार, मैं आप लोगों को बता दूं अभी के टाइम पे फ्री फायर अनबैन के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज नहीं आ रखा है, बट गाइस ओल्ड फ्री फायर के जो इवेंट्स वगैरह थे, आइटम्स वगैरह थे, वो हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट ओबी अपडेट में रिटर्न आने वाले हैं, ये 100% कंफर्म हो चुका है। बाकी तो गाइस यार मैं आप लोगों को बताऊं तो जो हमारा नेक्स्ट ओबी अपडेट है यानी कि जो हमारा ओबी 39 अपडेट है वो 22 मार्च के दिन आने वाला है, एंड गाइस अभी के टाइम पे ओबी 39 अपडेट के एडवांस सर्वर के लिए रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। अब यार जिनको पता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है वो लोग तो रजिस्टर कर ही लेंगे, बट गाइस मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था कि जिस दिन हमारे एडवांस सर्वर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के बताऊंगा कि आप लोग कैसे रजिस्टर कर सकते हो। तो इसलिए तो गाइस यार अगर अभी तक आप लोगों ने एडवांस सर्वर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो गाइस यार सबसे पहले आप लोग अपने किसी भी ब्राउजर के अंदर सर्च करना फ्री फायर एडवांस सर्वर, देन यहाँ पर सबसे पहले लिंक में आप लोगों को क्लिक कर देना है। फिर गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर गाइस यार आप लोग फेसबुक से भी लॉग इन कर सकते हो और गूगल से भी लॉग इन कर सकते हो। मैंने तो यार सिंपली गूगल से लॉग इन किया, आप लोग भी गाइस यार गूगल से लॉग इन कर सकते हो, मतलब किसी से भी लॉग इन कर सकते हो। बाकी तो गाइस यार लॉग इन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, एंड गाइस यहाँ पर आप लोगों को अपना कोई एक जीमेल डालना है और यहाँ पर से ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। फिर गाइस आप लोगों के सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर गाइस यार सबसे पहले तो आप लोग ऊपर की तरफ दिए गए इस कोड को कॉपी कर लेना। फिर गाइस यार आप लोगों को इंतजार करना है 10 मार्च का, क्योंकि गाइस यार आप लोग फ्री फायर के एडवांस सर्वर को तो 10 मार्च के दिन ही डाउनलोड कर पाओगे। अभी तो गाइस यार बस रजिस्ट्रेशन हो रहा है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। बाकी गाइस यार अगर हम लोग बात करें चेंजेस के बारे में जो कि हमारे गेम के अंदर ओबी 39 अपडेट के बाद होने वाले हैं, तो गाइस यार सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीन में इस कमाल के कैरेक्टर को ध्यान से देखो। मैं आप लोगों को बताऊं तो गाइस यार ये है हमारे गेम के अंदर आने वाला नया कैरेक्टर जो कि ओबी 39 अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर आने वाला है। उम्मीद है गाइस आप लोगों को ये कैरेक्टर पसंद आया होगा। पर गाइस अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमारे गेम के अंदर ओबी 39 अपडेट के बाद और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो यार देखो सबसे खुशी की बात तो ये है कि हमारा जो ओबी 39 अपडेट रहेगा इस अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर ओल्ड फ्री फायर वाले चेंजेस ज्यादा होने वाले हैं। जैसे कि गाइस यार हमारे गेम के अंदर आने वाले ओबी 39 अपडेट के बाद हम लोगों को हमारे गेम के अंदर ग्लाइडर रिटर्न पर देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस यार आप लोगों को याद होगा पहले के टाइम पे हमारे गेम के अंदर कुछ इस तरीके का एक ग्लाइडर हुआ करता था जिसे गाइस यार गाइना फ्री फायर ने अभी के टाइम पे हमारे गेम के अंदर से किसी वजह से रिमूव कर दिया है। बट गाइस यार फाइनली 22 मार्च के दिन जब हमारे गेम के अंदर ओबी 39 अपडेट आएगा तो हम लोगों को ये हमारे गेम के अंदर वापिस से देखने को मिल जाएगा। फिर गाइस यार इसके बाद आप लोग स्क्रीन में इस कमाल के पुराने वाले ट्रेनिंग ग्राउंड को देखो। मैं आप लोगों को बताऊं तो गाइस यार सच में यार इस ट्रेनिंग ग्राउंड में खेलने का मजा ही कुछ और था। मुझे पता है गाइस यार जितने भी यहाँ पर ओल्ड फ्री फायर वाले बंदे होंगे जिसने भी इस ट्रेनिंग ग्राउंड को खेला होगा उसको यार डेफिनेटली अंदर से बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी इस ओल्ड फ्री फायर के ट्रेनिंग ग्राउंड को देख के, एंड यार ये जान के तो नाच उठा होगा कि 22 तारीख के दिन हमारे गेम के अंदर ये ओल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड वापस से आने वाला है। ओवरऑल तो गाइस यार अभी आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, मैं आप लोगों को बताऊं तो गाइस यार पहले के टाइम पे हमारे गेम के अंदर वॉच एंड अर्न नाम का भी एक इवेंट आया हुआ था जिस इवेंट के अंदर गाइस यार हम लोगों को एड देखने पड़ते थे और उन एड को देखने के बदले में हम लोगों को डायमंड मिला करते थे। लिटरली यार
यार इस इवेंट के थ्रू हम लोग 20 डायमंड तक क्लेम कर सकते थे। फिर गाइस यार धीरे धीरे गैना फ्री फायर ने इसके अंदर अवेलेबल डायमंड को कम किया, पहले 20 थे फिर 15 हुए, एंड उसके बाद तो गैना फ्री फायर ने इस इवेंट को ही हमारे गेम के अंदर से रिमूव कर दिया। बट गाइस यार मैं आप लोगों को बताऊं तो चांसेस है कि हम लोगों को हमारे गेम के अंदर OB39 अपडेट के बाद ये वॉच एंड अर्न इवेंट वापिस से देखने को मिले। फिर गाइस यार इतना ही नहीं, हमारे गेम के अंदर अभी के टाइम पे जो लॉबी प्लांट होता है, मैं आप लोगों को बताऊं तो गाइस यार अभी के टाइम पे अगर हम लोग इस प्लांट को यूज करते हैं तो हम लोगों को इसके अंदर डायमंड रॉयल, वेपन रॉयल, गोल्ड रॉयल के वाउचर मिलते हैं, पेट फूड मिलता है, गोल्ड कॉइन मिलता है। बट गाइस यार इसके अंदर से अब हम लोगों को डायमंड नहीं मिलते हैं। बट गाइस मैं आप लोगों को बताऊं तो पहले के टाइम पे हम लोगों को इस लॉबी प्लांट के अंदर से भी फ्री में डायमंड मिला करते थे। और गाइस मैं आप लोगों को बताऊं तो इस बार के OB39 अपडेट के बाद वापिस से हम लोगों को इस लॉबी प्लांट के अंदर डायमंड मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सच में यार गाइस ना फ्री फायर काफी अच्छे अच्छे चेंजेस इस बार करने वाला है। ओवरऑल तो गाइस यार होप करता हूं मैंने आप लोगों को जितने भी चेंजेस बताए आप लोगों को सारे के सारे पसंद आए होंगे। तो चलो गाइस यार अभी मैं आप लोगों को कुछ और चेंजेस के बारे में बता देता हूं जो कि हमारे गेम के अंदर OB39 अपडेट के बाद होने वाले हैं। जी हां गाइस यार आप लोगों को याद होगा पहले के टाइम पे हमारे गेम के अंदर एक पॉइजनस जोन हुआ करता था, जिस जोन के अंदर गाइस यार हमें तो डैमेज नहीं आता था, जो हमारा वेस्ट रहता था, हेलमेट रहता था, वो धीरे धीरे खुद ही कमजोर पड़ जाता था। बट गाइस यार पता नहीं क्यों गाइस ना फ्री फायर ने इस पॉइजनस जोन को भी हमारे गेम के अंदर से रिमूव कर दिया। बट गाइस यार मैं आप लोगों को बताऊं तो इस बार के OB39 अपडेट के बाद हम लोगों को हमारे गेम के अंदर पॉइजनस जोन भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गाइस यार हमारे गेम के अंदर पहले के टाइम पे BR रैंक गेम में हम लोगों को कालाहारी मैप भी देखने को मिलता था। बट गाइस यार अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखोगे तो कालाहारी मैप BR रैंक में नहीं अवेलेबल है। एंड यार हम लोगों को हर एक चीज की तरह इस बार OB39 अपडेट के बाद कालाहारी मैप भी BR रैंक के लिए देखने को मिलेगा। ओवरऑल गाइस यार होप करता हूं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। बाकी तो गाइस यार अगर मैं आप लोगों को अपना हॉनेस्ट ओपिनियन दूं तो यार सच में कालाहारी मैप है तो काफी ज्यादा अच्छा, और यार मैं तो कालाहारी मैप के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। यार मैं जानता हूँ कि कालाहारी मैप के लिए तो आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। ओवरऑल तो गाइस यार अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और गाइस मैं आप लोगों को लास्ट चेंज बता देता हूँ जो कि हमारे गेम के अंदर OB39 अपडेट के बाद होने वाला है। तो गाइस देखो मैं आप लोगों को बताऊं तो पहले के टाइम पे जो हमारे गेम के अंदर फिटेड व्हील आया करते थे उसमें हम लोगों को पहला स्पिन फ्री मिलता था। बट गाइस अभी के टाइम पे हम लोगों को फिटेड व्हील के अंदर कोई भी स्पिन फ्री नहीं मिलता है। भाई सच बता रहा हूँ यार, मेरे को जब पता चला कि हम लोगों को आने वाले OB39 अपडेट के बाद वापिस से फिटेड व्हील के अंदर पहला स्पिन फ्री मिलने लग जाएगा यार, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। और गाइस यही कारण है कि मैंने इस अपडेट को सबसे लास्ट में कवर किया। उम्मीद है गाइस यार आप लोगों को फिटेड व्हील का पहला स्पिन फ्री वाला फीचर पसंद आया होगा। नॉर्मल सी बात है गाइस यार, इतना कमाल का फीचर है, पसंद तो आएगा ही। बाकी तो गाइस यार मैं आप लोगों को बताऊं तो वैसे तो मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो में ऑलरेडी काफी सारे OB39 अपडेट के चेंजेस के बारे में बता दिया है। और तो और गाइस यार क्योंकि अभी मैं आप लोगों को एडवांस सर्वर के लिए रजिस्ट्रेशन करना भी सिखा चुका हूं, तो उम्मीद है गाइस यार आज का वीडियो आप लोगों को पसंद तो आया ही होगा। बाकी तो गाइस यार क्योंकि फिलहाल आज की वीडियो में मेरे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन था, इसीलिए गाइस यार हम लोग आज के इस कमाल के वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। आप लोगों से किसी और वीडियो में नई नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।